भाई हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए इस आश्रम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई समझाने वाला भी नहीं दिख रहा है हमें। बाबा जी लोग तो सो रखे हैं और कोई भी नहीं है इस आश्रम में लकी और मेरे अलावा। देखो बस सामने ऊपर दुकानदार भैया मिले थे, वो बोल रहे थे नदी में आ जाना सीधा और वो पता नहीं कहाँ चले गए। सो गाइस फाइनली वी रीच्ड हेड़ा खान, बाबा जी का आश्रम। तो बाइक कर दी हमने यहाँ पर पार्क और अब चलते हैं सीधा आश्रम के दर्शन करने। तो ये भैया जी मिल गए हमको, इनके शॉप में रख देते हैं हम अपने हेलमेट। इधर कहाँ पे? यहाँ पे। ये चैनों वाले इधर से मैंने पहले जान लिया था, मैं आदमी के भुलिये को देख के जान लेता हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ। ये आप ही की शॉप होगी? नहीं, ये चाचा की। अच्छा, चाचा जी की है। नमस्कार चाचा जी। नमस्कार। थोड़ा बताएंगे आप यहाँ के बारे में? मैं बता रहा हूँ, मैं बाबा के बारे में तो मैं खुद ही बताऊंगा अभी। ये बताएंगे बाबा जी के बारे में चाचा जी? चाचा जी अभी मैं नदी में मिल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। इसे लेना इंट्रोडक्शन आप दोनों। चाचा जी आप बढ़िया हो गए ना? तुम दो ना चाचा जी। दो यार चाचा जी, यार ऐसा मत करो यार। अच्छी से बैठे हैं यहां पे। इंट्रोडक्शन दो यार आप। ठीक है यार, अच्छी से बैठे हैं। 70 में आए। अच्छा हां, और 84 में उन्होंने समाधि ले ली यहां पे। जी, तो उसी के बाद ये आश्रम बन गया। जी नहीं, आश्रम तो बहुत पहले से, 300 साल पुराना। अच्छा, 300 साल पुराना आश्रम है? 300 साल पुराना मंदिर है ये। क्या बात है, हेड़ा खान वाले बाबा के। ये अवतारित थे ना, अवतार, ये अवतार होते रहे। सही। तो और कुछ किससे यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में और क्या कहें, इतना ही है। हम तो बस इतना ही देखा, जब से पैदा हुए तब से। अच्छा, आप तब से यहीं, जब से आपने पैदा हुए हैं? अभी बीच में फॉरनर्स भी तो बहुत आते रहते। फॉरनर्स तो यहाँ आते रहते हैं, जो ये हुआ ये कोरोना काल से। हाँ, कोरोना काल से फिर कम हो। अच्छा, कोरोना की वजह से थोड़ा कम हो गया। कम हो गया वैसे। साउथ इंडियन यहाँ हमारे इंडियन बहुत आते हैं। इंडियन बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए दर्शन करके आते हैं हम भी चाचा जी, फिर आते हैं अभी। हाँ, आप नदी में मिलेंगे फिर हमें? नदी में मिल रहा हूँ। ठीक हो गया, चलो ठीक है ठीक है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नेशनल गाइड रामू। नेशनल गाइड रामू। हाँ, तो ये है हमारे नेशनल गाइड रामू। हाथ तो मिलाओ फिर इसी बात पे। ये यहाँ से शुरू होता है हमारा आश्रम, ये देखो। जय श्री राम, जय हनुमान। क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी हैं यहाँ पे, ये देखिए आप। बारिश शुरू हो गई भाई, आश्रम पहुँचते सगुन हो गया भाई बाबा का। लुक एट दिस ब्यूटी। जय भोलेनाथ। इतना प्यारा आश्रम बना रखा है, सच में बहुत ही प्यारा यार, बहुत ही प्यारा आश्रम है। तो रास्ते में तो कोई दिखा नहीं हमको, और यहाँ आश्रम के अंदर भी कोई नहीं दिख रहा। वो बाकी भैया लोग थे दुकान में, और यहाँ पे कोई है ही नहीं सच में। प्लीज़ रिमूव योर शूज़, कृपया जूते चप्पल यहाँ उतारें। क्या हुआ, सो रखे हैं? सो रखे हैं क्या? हाँ। कौन, बाबा जी? तो गाइस सारे बाबा जी लोग सो रखे हैं अंदर। ये हेड़ा खान वाले बाबा जी। तो बाबा जी लोग तो सो रहे हैं, उनको डिस्टर्ब हो जाएगा। चुपचाप दबे पैरों से बाहर चलते हैं भाई। अब दबे पैरों से भी जाएंगे, मंदिर के दर्शन करने आया भाई। बाबा जी के दर्शन तो हो चुके हैं और अभी स्नान करने जा रहे हैं लकी और मैं नीचे नदी में, गौरा नदी में। बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी नदी है, एकदम चिल्ड पानी आ रहा होगा, लेकिन बारिश पड़ना भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया है। तो देखते हैं अभी, अगर कम होती तो जाएंगे, और अगर और ज़्यादा होती है तो फिर सीधा निकलेंगे घर की तरफ को, क्योंकि रास्ता वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई तो बेकार हो जाएगा मामला, घर नहीं पहुँच पाएंगे हम, दोनों भाई हो जाएंगे लापता। एंड गाइस, पहाड़ों की चोटियों के बीच में बसा हुआ है खूबसूरत आश्रम, मतलब एक अलग ही वाइब है यहाँ पे। इतनी ज़्यादा शांति, इतना ज़्यादा पीस। मेरे को तो भीड़ भाड़ वाले इलाके बिल्कुल पसंद भी नहीं आते हैं, और यहाँ कर तो इतनी ज़्यादा शांति मिल रही है, इतना सुकून मिल रहा है, मैं अपने शब्दों के द्वारा वो बयान नहीं कर सकता कि क्या क्या खूबसूरती और क्या सुकून और क्या शांति है इस जगह पर। पूरा मौसम भी खुल चुका है, तो अब चलते हैं नदी में नहा कर आते हैं। हमारा प्लान तो यही था, इधर साइड से है नदी में नहाने का रास्ता। चलो
आराम से भाई, स्लिपरी और होगा, लेकिन फिसलना मत। रास्ता है कहाँ भाई? रास्ता तो यहीं पर ही ख़त्म हो गया है, लेंटर में पहुँचा दिया इन लोगों ने तो हमें। तो गाइस हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए इस आश्रम के अंदर, क्योंकि यहाँ पे कोई समझाने वाला भी नहीं दिख रहा है हमें। बाबा जी लोग तो सो रखे हैं और कोई भी नहीं है इस आश्रम में, लकी और मेरे अलावा। एक वो बस सामने ऊपर दुकानदार भैया मिले थे, वो बोल रहे थे नदी में आ जाना सीधा, और वो पता नहीं कहाँ चले गए। भाई कहाँ आए हो? कहाँ हैं? झाड़ी से आवाज़ मार रहे हैं वो, कहीं नीचे झाड़ी से आवाज़ मार रहे हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ कह रहे हैं, और हम यहाँ फंस रखे हैं। बताओ, ये 3 स्टेप नीचे लेते ख़त्म हो गया रास्ता। अब बता भाई क्या करना है? घर को चलो। घर को? नहाने आ रखे हैं, घर को जाना है भाई। जब लिखा है इसमें कृपया नदी में जाने का रास्ता इधर से है, धन्यवाद, तो भाई यहीं से ही होगा। लकी यार आ तो सही, इतनी जल्दी हार कैसे मान ले रहा है तू? आ जा, घर जाना है भाई, घर जाना है, ये तो नहीं कहीं। तो हम यहाँ से गए लेंटर में पहुँच गए, और यहाँ से कुछ है नहीं, गेट बंद है वो। अच्छा, इन लोगों ने बंद कर दिया होगा फिर यार, चलो कहीं और से। तो गाइस दूसरी जगह से ढूंढते हैं अभी रास्ता। और इतना साफ सुथरा आश्रम है, इतना क्लीन, नीट एंड क्लीन आश्रम। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे कोई आता नहीं है शायद, इस वजह से भी है। यहाँ आते हैं इसलिए इसको साफ रखते हैं। हाँ, यहाँ लोग आते हैं इसलिए सब इसको साफ रखा जाता है। यहाँ लोग आते तो हैं, लेकिन तू सही बोल रहा है, लोग आते हैं लेकिन है कहाँ लोग? कहीं तो दिखे लोग, पूरा सिनेमेटिक घुमा दिया मैंने, यहाँ एक भी लोग नहीं दिख रहा कहीं भी आसपास। लेकिन यहाँ कपड़े टंगे तो मतलब लोग तो हैं, सब खर्राटे ले रहे हैं लग रहा मेरे को। स्नान करना भी ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही साफ सुथरी नदी है नीचे। तो ये वाला रास्ता जा रहा है सीधा नदी में। तो गाइस रास्ता डिफ़िकल्ट होता जा रहा है नदी में जाने का, और अभी मैं और अभी जो ऊपर भैया मिले थे वो नदी की तरफ को जा रहे हैं, क्योंकि लकी तो आया नहीं, उससे आया नहीं जा रहा है यहाँ पे। थोड़ा रास्ता मैं शॉर्टकट रास्ता लेकर आया, तो वो बोल रहा है कि तू ही जा, मैं नहीं आ रहा हूँ, तो चला गया ऊपर वापस। और भैया और मैं जा रहे हैं, क्योंकि मेरा तो बहुत ज़्यादा नहाने का मन है यहाँ पे। मैं तो घर से सोच के आया था कि ज़रूर नहाऊंगा, क्योंकि इससे पहले मैं स्कूल टाइम पे और आया था, और उस टाइम पे भी हमने नहाया था यहाँ पे। तो गाइस इसे छोटी नदी पार करते हैं पहले, उसके बाद सीधा बड़ी नदी में। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, आराम से जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ये देखो इस मौसम में ठंडे ठंडे पानी में नहीं नहाया तो क्या किया आपने, पानी देख के ही मन कर रहा कूद मार दो। ये देखो गाइस, ओए होए, पूरा का पूरा चांदी पानी हो रहा है, चांदी पानी, ब्यूटीफुल। तो जल्दी सब खोलते हैं कपड़े और चलते हैं नदी में। जय हेड़ा खान वाले बाबा जी, जय, मजा आ गया, जान आ गई शरीर में सच में। भैया तो नहा नहीं रहे हैं, वहीं बैठे हैं, और लकी भाई तो हमारे आए नहीं हमारे साथ पानी में। यहाँ अपना चल रहा है फुल फन, मन कर रहा है यहीं बैठे रहूँ थोड़ी देर, एकदम रिलैक्स हो गई है बॉडी पूरी। जय बाबा जी। और गाइस वो सामने चोटी अपना छोटा कैलाश, जहाँ से मैंने आपको एक दिन हेड़ा खान मंदिर दिखाया था, तो उसी चोटी से दिखाया था मैंने आपको। बॉडी पूरी अच्छी तरीके से रिलैक्स हो चुकी है, इतना आराम, इतना सुकून मिल रहा है, मतलब इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। पूरे बॉडी सुखा लेते हैं फिर चलते हैं सीधा। लकी भी वेट कर रहा होगा ऊपर, वो भी काफ़ी देर से ऊपर ही बैठा हुआ है, और मौसम देखिए आप, पूरा खुल चुका है। साथ साथ बढ़िया ट्रैकिंग भी हो गई आज, मस्त वाली। हाँ भाई, कुछ खाया तूने? पेट पूजा हो गई। क्या खाया? चाय। चाय और जो जो खाया, बन वगैरह? बन, मेरा इंतज़ार नहीं करा मतलब भाई का, भाई थका हारा आ रहा है क्या? भाई एक अर्थ लग रहे ठाकुर को, मन का हाँ। ये भी तो भैया पूछ रहे हैं राजपूत हो क्या? बोल रहे थे बॉडी तुम्हारी ऐसी लग रही ठाकुर वाली। देख लो भाई, बॉडी की तारीफ हो रही, भैया भी नीचे मेरे से कह रहे राजपूत होना, तो मैंने कहा हाँ भैया राजपूत है। राजपूत नहीं, पहचानेगा क्या बात है। तो जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा भी कर लेते हैं, भूख भी लगी गई है,
पानी में नहाकर तो कुछ ज़्यादा ही भूख लग जाती है, तो यहीं पर ही मैगी बनवाने के लिए बोल दिया मैंने भैया को। और पहाड़ों में आके मैगी नहीं खाई तो क्या ही खाया आपने। हमारी मैगी आ चुकी है, मैगी इंजॉय कर लेते हैं। जो दे उसका भला और जो ना दे उसका भी भला। साधु जहाँ चले गया वो जगह उसकी है, साधु सब इन्हीं के तो है। साधु इस मिट्टी को किसने खाया, इस मिट्टी में हम लोग सब समा गए, सब समा गए, इसको किसने खाया। बिल्कुल सही बात। दर्शन भी हो गए हेड़ा खान बाबा जी के, स्नान भी कर लिया, अब चलते हैं सीधा घर की तरफ को। चाचा जी ठीक है, धन्यवाद आपका। जाते जाते मैं एक बार आपको फिर से हेड़ा खान आश्रम के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से व्यू देखिए आप। और आप लोग भी जरूर आए यहाँ पे, दिल से बोल रहा हूँ मैं, बहुत सुकून मिलेगा आप लोगों को यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा पीसफुल इन्वायरमेंट है यहाँ का। तो होप आपको ये मेरे हेड़ा खान आश्रम वाला व्लॉग भी पसंद आया हो। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हेड़ा खान बाबा की। भाई मस्त है ना, क्या शांति है यार। तो इतनी ज़्यादा शांति है इस आश्रम में, मन को भाग गया ये आश्रम। अरे तो गाइस ये तो काम चल रहा है कुछ, तो इस वजह से हो रहा है, वरना बहुत बढ़िया आश्रम। सुपर 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 सुपर।